हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। आज हम पोएम नंबर 1 हॉर्नबिल बुक की अ फोटोग्राफ एक तस्वीर चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। इसको लिखा है मैडम सिरली टॉलसन ने। ये पूरा पोएम ऑथर अपनी माँ को याद करता है एक फोटोग्राफ देखकर। अब उसकी इमोशंस क्या हैं, क्या कुछ होता है इस पोएम में, हम इसको लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं यार कि अगर ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी मिल जाए तो मुझे लिंक सेंड करना, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, प्रॉमिस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दो, सॉरी रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अगर चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी क्लास 11 का नहीं देखा है तो कब देखोगे भाई, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स है, जाके देखो। अब चलिए शुरू करते हैं अ फोटोग्राफ, एक तस्वीर बाय सिरली टॉलसन। हम लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस पूरे चैप्टर का। मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, अगर समझ में ना आए तो कहना यार, आगे चलते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का मतलब क्या था, ये जो कार्डबोर्ड पे लगी तस्वीर थी, कौन सी तस्वीर लगी थी, ऐसी तस्वीर, इसकी माँ, फिर ये दोनों कजिन बहनें थी इनकी माँ की, ऐसी तस्वीर कहां लगी थी, कार्डबोर्ड पे लगी थी। वही ऑथर कह रही है कि कार्डबोर्ड पे लगी तस्वीर मुझे बताती है कि हाउ इट वॉज, कि मेरी माँ उन दिनों कैसी थी, ठीक है। वेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब मेरी माँ दो कजिन बहनों के साथ, पहली कजिन बहन, दूसरी कजिन बहन, दोनों कजिन बहनों के साथ कहां गई थी, पैडलिंग करने गई थी। अब पैडलिंग की मीनिंग क्या होती है, पैडलिंग जैसे आप समझ सकते हो ये समुद्र का किनारा है और यहां पर अगर कोई इंसान इस हल्के हल्के पानी में चलता है, इसी को कहते हैं पैडलिंग। तो ये लोग फोटो खिंचवाने कहां गए थे, समुद्र के थोड़ा सा बीच में गए थे, मतलब बीचों बीच तो नहीं गए थे ना, किनारे से थोड़ा सा और आगे गए थे ताकि वो लोग फोटो खिंचवा सके। तो वही यहां पर ऑथर कह रही है कि जब मेरी मां पैडलिंग के लिए गई थी मेरी दो बहनों के साथ, ईच वन, मेरी माँ की दोनों बहनों ने होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़ा हुआ था, जैसे एक हाथ को इस बहन ने पकड़ा है, एक हाथ को इस बहन ने पकड़ा है। एंड शी द बिग गर्ल, और मेरी माँ जो उम्र में इन दोनों से बड़ी थी, सम 12 ईयर्स और सो, वो कुछ 12 साल की थी या 12 साल से भी बड़ी ही रही होंगी, ठीक है। All the three stood still to smile through their hair. जो तीनों बहनें थी ना वो शांति से खड़ी थी, to smile through their hair, और मुस्कुरा रही थी कहां से, थ्रू देयर हेयर। अब मुस्कुरा रही थी थ्रू देयर हेयर का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये तीनों बहनें हैं इनकी, फॉर एग्जाम्पल ये इनका चेहरा और ये यहां से हंस रही हैं। अब हवा चल रही थी तो इनके जो बाल थे वो इनके फेस पर आ जा रहे थे जिससे इनकी स्माइल ढक जा रही थी, और इनकी स्माइल उसी हेयर्स के थ्रू, हेयर्स के बीच में से उभर के आ रही थी, इसीलिए यहां पर यूज हुआ है टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, ठीक है। एट द अंकल विद द कैमरा, और ये तीनों कहां पर देख के हंस रही थी, सामने जो इनके अंकल थे जो कैमरा से इन तीनों की फोटो खींच रहे थे उसी को देखकर ये तीनों बहनें हंस रही थी। अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा, माय मदर्स, मेरी माँ का था जो वो प्यारा सा चेहरा, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये तस्वीर, ये कंडीशन, ये घटना कब की है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब की। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और तब से लेकर आज तक द सी, जो वो समुद्र था, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि आज भी नहीं बदला है, जब फोटो वो लोग क्लिक करवा रहे थे तब जैसे समुद्र था, समुद्र आज भी वैसा है, और समुद्र क्या कर रहा था, वॉश्ड देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, इन तीनों की जो तेजी से, टेरेबली ट्रांजिएंट का मतलब क्या है, तेजी से बदलने वाले जो पैर हैं, तेजी से बदलने वाले पैर का क्या मतलब है, जैसे प्रकृति कभी चेंज नहीं होता, समुद्र जो 1000 साल पहले वैसे था वो आज भी वैसे ही रहेगा, लेकिन इंसान जो 5 साल में छोटे पैरों वाला रहता है, 25 साल में थोड़ा पैर उसके बड़े हो जाते हैं, जब डेथ हो जाती है तो उसके पैर ही नहीं रहते, तो इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं ना कि उनके उन पैरों की धो रहे थे, वो जो समुद्र था वो इन तीनों के तेजी से बदलने वाले पैरों को क्या कर रहा था, वॉश कर रहा था, धो रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसमें क्या है, some 20, some 20, 30 years later, आगे ऑथर कहती है कि उस घटना के बीते हुए आज कितने साल हो गए, 20 से 30 साल हो गए, मतलब इनकी मां
तब 12 साल की थी और आज जब 32 साल की रही होंगी या जब 42 साल की इनकी मां रही होंगी, वो क्या करती थी? शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. वो उस फोटोग्राफ को देखती थी, इन तीनों बहनों की, इन तीनों बहनों की फोटोग्राफ को वो देखती थी और हंसती थी और क्या कहती थी? कहती थी कि सी बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली को देखो एंड लुक, और ये देखो कि हाउ दे ड्रेस्ड अस, हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे कपड़े पहनाए हैं. फॉर द बीच, समुद्र के किनारे जब हम छुट्टियां मनाने जा रहे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे कपड़े पहनाए थे, ये देखो. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. अब ऑथर कहती है कि जो समुद्र पर छुट्टियां मनाना था वो मेरी माँ का बीता हुआ कल था, बीता हुआ बचपन था, और मेरे लिए क्या था बीता हुआ कल? उनकी हंसी. जब वो फोटो देखकर हंसती थी वो मेरे लिए पुरानी बात हो गई है क्योंकि ऑथर की माँ अब नहीं रही. ठीक है, गॉट इट. बोथ वरी, बोथ वेरी, डब्ल्यू आर वाई का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब होता है नष्ट हो जाना. ठीक है, बोथ वेरी विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. ऑथर कहती है मेरी माँ का बचपन और मेरे लिए उनका मुस्कान दोनों नष्ट हो गया है, दोनों कहीं खो गया है विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. और हमने इस लॉस को, ये जो नुकसान हुआ है हमें, नुकसान क्या हुआ था? ऑथर को नुकसान हुआ था कि वो अपनी माँ की हंसी को नहीं देख पा रहा है, और उसकी माँ को क्या नुकसान हुआ था? कि वो अपने बचपन में दोबारा नहीं जा सकती. तो वही ऑथर कह रहा है कि हम दोनों ने क्या किया, बहुत लेबर किया है, बहुत मेहनत किया अपने आप को आराम पहुंचाने के लिए. इस हानि जो हमें लॉस हुआ था, इस हानि, इस लॉस से हमें आगे बढ़ने में बहुत मेहनत लगी, बहुत हम लोगों ने कोशिश की, तब हमने इन चीजों को भूला है. ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे देखते हैं. नाउ नाउ सी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स. और आज मेरी माँ को डेथ हुए, मतलब उनको मरे कितने साल हो गए हैं? मेनी इयर्स, बहुत साल हो गए हैं. कितने साल? एस दैट गर्ल लिव्ड, जो जिस समय ये तीनों बहनें फोटो खिंचवा रही थी उस समय मेरी माँ की जो तस्वीर थी और उस तस्वीर में वो जितने साल की थी, कितने साल की थी? 12 साल की थी. उतने ही साल आज हो गए हैं मेरी माँ को क्या हुए? डेड हुए, ऐसा ऑथर कहता है. ठीक है, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और आज जो परिस्थितियां हैं, देयर इज नथिंग टू से इट ऑल. आज की परिस्थितियों को देखकर कुछ भी कहने लायक नहीं है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता. इट्स साइलेंस, साइलेंसेस. आज की परिस्थितियों की जो चुप्पी है, जो शांति है ना, वो मुझे साइलेंसेस कर देती है, खामोश कर देती है. तो आई थिंक आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हर वर्ड की मीनिंग क्लियर हो गई होगी, और पोएम नंबर वन ऑफ फोटोग्राफ हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है. अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद.